हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 99% यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दशमलव का घटाना हल करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे और दूसरा का क्वेश्चन है यहाँ पे। हम लोग एक एक को बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कैसे लिखेंगे इसको समझिए। यहाँ पे 285.182 -103.161। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को, ठीक है। इसको लिखेंगे 285.182, ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव के घटाना में क्या किया जाता है, इसमें आपको दशमलव के सीध में ही दशमलव को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें भी दशमलव है ना, तो दशमलव को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके इधर क्या है, 103, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 103। फिर दशमलव के इधर कितनी संख्या है, 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 161। अब आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इतने में से ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, यानी दशमलव क्या होता है कि सीधा मेदम लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे इसके सीधे में यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2। फिर 8 में से 0 जाएगा, तो 8 ही बचेगा। फिर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बचेगा। ये आपका हल हो गया। अब हम लोग दूसर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसर का क्वेश्चन है यहाँ पे, 5.5 -0.005। आपको 5.5 में से इसको घटाना है, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे 5.5 को, 5.5। अब आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है। इसमें दशमलव है ना, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। फिर दशमलव के इस साइड, दशमलव के इस साइड यानी बाईं साइड जितने अंक हैं उतने अंक को लिखना है। दशमलव की इधर एक अंक 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दशमलव के दाईं साइड जितनी संख्या है उसको लिख लेंगे। तो कितना है, 005। तो इसको लिखेंगे 005। अब क्या करेंगे, इसमें से 5.5 में से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, इस 0 के ऊपर एक भी संख्या नहीं है, इस 5 के ऊपर एक भी संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। देखिए 0 में से 5 घटाएंगे, तो 0 5 से छोटा है, इसलिए 0 में से 5 नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हासिल लेंगे इससे, ठीक है। 5 क्या करेगा, इसको हासिल देगा। फिर ए क्या करेगा, इसको हासिल देगा। देखिए 5 0 को हासिल देगा, तो ए 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 इसको हासिल दे देगा, तो ए 10 हो जाएगा, लेकिन ए 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक हासिल दे दिया है। तो ए 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9। 9 में से 0 जाएगा, तो आपका बचेगा 9। अब देखिए यहाँ पे 5 एक हासिल दे चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4। 4 में से 0 जाएगा, तो 4 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, उसके नाम सीध में। अब यहाँ पे कितना है, 5। 5 में से 0 जाएगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया, आ गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।